हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साइद और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग KSB कंपनी का मोटर फिटिंग करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मोटर है और ये न्यू मोटर है पूरा। तो यहाँ पे एक जाली निकला और एक कागज निकला है। तो इसका प्राइस देख सकते हैं आप, 5,542 रुपये इसका प्राइस है। और ये 1 SP 0.75 किलोवाट का ये मोटर है। तो अरे यार, इस साइकिल को हटा देते हैं, ये साइकिल का हैंडल इधर ही आ जाता है। तो छोड़े, चलिए इसको आगे बताते हैं हमें। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मोटर, यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। ये 1 HP का ये मोटर है, ये KSB कंपनी का, इसको हम लोग टुल्लू पंप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके ऊपर में एक वाशर दिया गया था काला कलर का, जिसको यहाँ से पानी निकलेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे हटा दिए, क्योंकि उसको नहीं हटाइएगा तो पानी फिर नहीं निकलेगा, वो पैक रहता है। तो उसको चलिए हटा दिए हम लोग। और नीचे ये देख सकते हैं, यहाँ पे चेक बल लगा हुआ है, ये इनलेट है, यहाँ से पानी खींचेगा और ऊपर से पानी निकलेगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में हम लोग MTA लगाएंगे। 1 इंची की ये इनलेट आउटलेट इसमें दिया गया, तो इसमें दोनों हम लोग MTA फिट करेंगे पहले। तो अभी रविंदर भैया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका फुटबॉल होता है, जो नीचे लगता है, वहाँ पे MTA 1 इंची का यहाँ पे टाइट कर दिए। देख सकते हैं, 1 इंची का UPVC ब्रास MTA इसी को हम लोग फिट कर रहे हैं मोटर में, और जो फुटबॉल में फिटिंग की है हम लोग इसी को फिट किए हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग ब्रास MTA दे रहे हैं, और PVC MTA भी आता है तो उसको हम लोग नहीं दे रहे, क्योंकि मोटर में हिलता है थोड़ा। तो इसमें हम लोग टाइट से हम लोग ब्रास MTA इसमें हम लोग लगा दे रहे हैं। इसको पहले हम लोग पूरा मोटर में टाइट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग अगला काम करेंगे। हम लोग का मोटर ये है, और यहाँ पे ऊपर में आउट में यहाँ पे हम लोग MTA लगा दिए, और नीचे भी यहाँ पे MTA टाइट कर दे रहे हैं। मोटर यहाँ पे रखे, इस कोने में हम लोग मोटर लगाएंगे, और यहाँ पे टंकी है, पानी की टंकी है, इसी से हम लोग इसका कनेक्शन लेंगे। और यहाँ पे एक पाइप आया हुआ है 1 इंची का, इससे हम लोग इसको पास करेंगे। दोस्तों, ये बेसमेंट का टंकी है, और इसका गहराई लगभग 4 से 5 फुट इसका गहराई है। और यहाँ पे जो पानी भरेगा उसी को हम लोग यहाँ से निकालने के लिए यहाँ पे मोटर हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कोने पे एक हॉल दिया गया है, उसी में हम लोग इसका जो फुटबॉल है, सेक्शन पाइप है, उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। हम लोग ये टंकी से हम लोग एल्बो देके इसको ले आए, और यहाँ पे एक एल्बो दिए, और यहाँ पे एक टी दिए, और ऊपर पे एक बल्ब दिए, ये 1 इंची का पाइप है, और आगे यहाँ पे यूनियन दिए। उसके बाद यहाँ पे MTA से डायरेक्ट मोटर टाइट किया गया है, ये इनलेट लाइन है, और इसको हम लोग दिए हैं पानी डालने के लिए। जब भी मोटर में पानी ख़त्म होगा तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे खोल के बल्ब को पानी डाला जा सकता है, और बाद में इसको बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आउटलेट लाइन देख सकते हैं, एक पाइप आया हुआ है, उसी से हम लोग को यहाँ पे आउटलेट लाइन ले जा रहे हैं, एल्बो लगा के उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे पानी हम लोग डाल दिए हैं, पूरा पानी देख सकते हैं, और हम इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों, पाइप में तो हम लोग पानी डाल दिए, यहाँ पे मोटर में भी पानी डालना होता है। तो मोटर में आप देख सकते हैं एक स्क्रू होता है, तो उसको हम लोग खोल दिए, और यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पे पानी डालना पड़ता है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, पानी को हो गया, देख सकते हैं। दोस्तों, मोटर तो फिट हो चुका है, यहाँ पे हम लोग इसका टेस्टिंग अभी नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग वायर जोड़ के यहाँ पे टेप लगा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग मोटर को चालू करेंगे। दोस्तों, हम लोग का तार यहाँ पे जुड़ गया है, ले दिए था शकील को, पूछे लाइट है यहाँ पे, शकील चालू कर, चालू देख सकते हैं यहाँ पानी चालू हो गया, बंद करो, बंद करो, ज़्यादा पानी बंद कर। दोस्तों, यहाँ पे मोटर टेस्टिंग हो चुका है, मोटर से भी यहाँ पे पानी अच्छा खासा यहाँ पे पानी दे रहा है, और टंकी में ज़्यादा पानी नहीं, इसीलिए हम लोग इसको बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये छोटा टंकी है, ज़्यादा बड़ा टंकी नहीं, क्योंकि ये बेसमेंट का टंकी है। तो इसको फिर हम लोग एक बार चालू करके देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पानी पूरा आ रहा है, तो उसको चलिए बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, जो नीचे का काम अभी हम लोग का बाकी है, इसको आउटलेट में यहाँ पर पाइप आया, उसमें इसको कनेक्शन करना बाकी है। तो चलिए इसको कनेक्शन हम लोग इसको कर देते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा कनेक्शन हम लोग का हो चुका है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।